नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज कृष्णा जी के लिए मॉस्किटो नेट बनाएंगे। कार्डबोर्ड के पीसेस कट करके इस तरह लंबे लंबे कट करके इसको पेपर टेप से स्टिक कर दिया है और ग्लू से स्टिक किया है। इस तरह का एक फ्रेम बनाए हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से। इसमें ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे कपड़े से। इस तरह से ग्लू लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है दोनों तरफ से और इसको ग्लू लगा के अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इसको नीटली कवर करेंगे ताकि ये थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा। कॉर्नर्स में कट लगाएंगे इस तरह से, चारों कॉर्नर्स में कट लगाना है और ग्लू लगा के अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ इसी तरह से करेंगे। पहले नीचे की तरफ से अच्छी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ से अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। कृष्णा जी के और भी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे ज़रूर चेक करें। यहाँ पे एक पाइप ली है, इसको कपड़े से कवर कर देंगे। कपड़े को डबल करके इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ये लंबी स्ट्रिप कट की है कपड़े की, इसके अंदर पाइप को फिल करेंगे, सिलाई को पक्का कर देंगे इसमें। अब इसको सीधा कर लेंगे, नेडल को बैक साइड से डाल के इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, जैसे डोरी बनाते हैं उस तरह से। इस तरह के दो पीस रेडी कर लेंगे। अब इसके अंदर पाइप को डाल देंगे, इस तरह से दो पीस तैयार किए हैं। अब इसके कॉर्नर्स में अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे और इनको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। ये जो पाइप को कवर किया है इनको, दूसरे कॉर्नर में भी अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिक करना है। दूसरे वाले को भी इसी तरह से स्टिक कर देंगे। स्टिक कर दिया है। गोल्डन डोरी में बेल ले ली है और इसको इस तरह से बांध देंगे, दोनों पाइप को इसी तरह से बांध देंगे। इसको अच्छा मजबूती से बांध दिया है। स्क्वायर में नेट के फैब्रिक को कट किया है, इसको नीचे ग्लू लगा के अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से राउंड में ग्लू लगाते हुए स्टिक करना है नेट को। ये देखिए इस तरह से स्टिक कर रही हूँ ऊपर तक। साइड्स के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। चारों तरफ इसी तरह से नेट लगाते जाएंगे, नीचे की तरफ स्टिक करेंगे और ऊपर की तरफ ग्लू लगाएंगे दोनों तरफ और नेट को स्टिक करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते जाएंगे। ये मॉस्किटो नेट बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह से चारों तरफ स्टिक कर दिया है। अब पतली वाली स्ट्रिप कट की है नेट की और इसकी छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे, लंबी प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाना बहुत ही ईजी है। इस तरह से कपड़े को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और डबल सिलाई करते जाएंगे तो ये प्लीट्स बन जाएगी। इस मच्छरदानी में चार नंबर तक के कृष्णा जी को सुला सकते हैं। ये प्लीट्स तैयार कर ली हैं, नीचे की तरफ ग्लू लगाएंगे, बैक साइड से इसको स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे, इस तरह से जमाते हुए इनको स्टिक कर देंगे। बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। स्टिक कर दिए हैं। इसके जॉइंट में इस तरह से लेस लगाएंगे, जहाँ पे प्लीट्स को स्टिक किया है उसके ऊपर में लेस को इस तरह से स्टिक करते जाएंगे, डेकोरेट करेंगे। ऊपर की तरफ भी लेस से स्टिक करेंगे इस तरह से, एक के ऊपर एक
लेस को स्टिक करते जाएंगे, ग्लू लगाएंगे और दूसरी वाली लेस को भी इसी तरह से स्टिक कर देंगे। लगा ली है, ग्लू लगाएंगे और छोटे वाले कुंदन स्टिक कर देंगे। ये गोल्डन वाले कुंदन स्टिक कर रही हूँ। चारों तरफ इसी तरह से कुंदन से इसको डेकोरेट करेंगे। ऊपर की तरफ पॉम पॉम को स्टिक कर देंगे। इस तरह से मच्छरदानी बनके तैयार है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। आप भी इजीली अपने कृष्णा जी के लिए ज़रूर बनाएं इसको घर में। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।